नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर 2022 की जीत की थ्योरी क्या कहती है, क्योंकि पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी और अवध की करीब 384 विधानसभा सीटों को लेकर आज आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं और तथ्यों के आधार पर ही आपको महत्वपूर्ण आंकड़े, आखिर 384 सीटों पर किसकी हो सकती है जीत और 384 सीटों में से अगर बात करें तो किसे पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि माहौल क्या बनने वाला उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, हर एक यहां पर राजनीतिक दल अब उत्तर प्रदेश चुनावी मैदान में उतर चुका है, क्योंकि काफी हलचल उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए है और तीनों कृषि कानून भी वापस हो चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर जिस कारण से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर अवध रीजन को लेकर जो बीजेपी का दावा है, आखिर अवध क्षेत्र का क्या है यहां का चुनावी गणित, इसके भी आंकड़े आपको देंगे। इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस के बाद पूर्वांचल में क्या कुछ यहां पर हलचल तेज हो चुकी है, ऐसे में 164 सीटों के यहां के भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यूपी के लिए पश्चिमी यूपी में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल यहाँ से ही अपनी जो है शुरुआत कर रहा है चुनाव के लिए और जिस प्रकार का माहौल तीनों रीजन को लेकर सामने आ रहा है, ऐसे में तीनों रीजन के आंकड़े क्या कहते हैं, 384 सीटों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े, आखिर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ रणनीति यहाँ पर तैयार की गई है तीनों रीजनों को लेकर, इसके भी आंकड़े आपको देंगे। आखिर 2017 के आंकड़े यहाँ के क्या रहे थे और 2022 में क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं, क्योंकि बड़ी पार्टी बीजेपी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में है और इनके साथ बड़े बड़े दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कई रैलियों को यहाँ पर संबोधित कर चुके हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट की बात करें और यहाँ पर बात करें एक्सप्रेस वे की, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति साफ दिखाई देने लगी है। लेकिन इसके अलावा अमित शाह ने भी यहाँ पर पश्चिमी यूपी से अपनी चुनावी बिगुल ठोक दिया है, लेकिन पश्चिमी यूपी में क्या हो सकता है यहाँ का चुनावी आंकड़ा, इसके भी आंकड़े आपको देंगे। इसके अलावा राजनाथ सिंह हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हो या फिर अखिलेश यादव, इस बार कहीं ना कहीं एक बड़े दावे के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो यहां का चुनावी गणित क्या हो सकता है, रीजन बाय रीजन आपको आंकड़े यहां पर देने वाले हैं और अवध रीजन के क्या कुछ आंकड़े हैं वो भी आपको यहां पर देने वाले हैं। सभी यहां पर जो है यहां पर बात की तो अवध क्षेत्र के लिए लखीमपुर खीरी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें सीतापुर हो, लखनऊ, अयोध्या, कन्नौज, फरीदाबाद, औरैया, जिसमें अयोध्या राम मंदिर भी काफी महत्वपूर्ण है और इस पर क्या कुछ है यहां पर आंकड़ा बन सकता है। इसके अलावा हरदोई, उन्नाव, इटावा, कानपुर नगर, बाराबंकी, कानपुर देहात, रायबरेली, ये वो क्षेत्र हैं जो कि अवध रीजन के अंदर आते हैं और यहाँ पर काफी कुछ माहौल अब गर्मा चुका है। सभी बड़ी पार्टियां जो है अवध रीजन में अब रैलियों पर रैलियां कर रही हैं। ऐसी क्या हो सकती है, कांग्रेस इस बार किस प्रकार की प्लानिंग के तहत काम कर रही है, क्योंकि ज्यादा कुछ यहाँ पर बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में अब तक सक्रिय नजर नहीं आए, लेकिन प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लिए काफी समय से सक्रिय नजर आई हैं। तो क्या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कुछ नया कर पाएंगी, इसके लिए कांग्रेस की रणनीति है कि कांग्रेस इस बार दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक के दम पर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार की बनाने के आखिर तक या पहुंचेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए करीब ब्राह्मण वोट बैंक 11% है, जिस पर किसकी सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ हो सकती है इसके आंकड़े आपको देंगे। राजपूत 8% है, ओबीसी वर्ग की बात करें करीब 22% है और दलित 13, मुस्लिम 15 और जाटव 10% है। यानी अगर ओबीसी वर्ग के आंकड़ों पर गौर करें 2017 चुनाव में बीजेपी ने यहां पर 312 सीटें जीते, लेकिन इसके पीछे का बड़ा कारण था कि ओबीसी विधायक 101 विधायक जीतकर आए। बात करते हैं कि अवध रीजन के लिए 2007 में जब मायावती जी ने अपनी सरकार बनाई उस वक्त क्या कुछ यहाँ का आंकड़ा था, अवध के क्षेत्रों में मायावती जी का साथ कितना दिया था, इसके आंकड़े देख सकते हैं कि बीएसपी ने यहाँ पर 34 सीटें हासिल की थी और बीएसपी को यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर जो है 28 विधानसभा सीटें ही मिली, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर केवल 9 विधानसभा सीटों पर ही जीत हासिल की थी, कांग्रेस को 8, अन्य के खाते में 2 सीटें ही मिली। यानी अवध के क्षेत्रों ने 2007 में मायावती जी का साथ दिया था और मायावती जी की सरकार बन गई, लेकिन इसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बना, 2012 में अखिलेश यादव ने अपनी यहाँ पर वापसी की और अपनी सरकार बनाई, लेकिन इस वक्त अवध के क्षेत्रों के लोगों का क्या था मामला, देखिए 2012 में जब विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अपनी सरकार बनाई तब समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 61 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि यहाँ पर बीएसपी को केवल 10 और बीजेपी ने 6 सीट ही हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस ने 3 और अन्य के खाते में 1 सीट ही हासिल की थी, लेकिन बीजेपी यहाँ पर काफी पीछे नजर आ रही थी अवध के लिए यहाँ पर 2012 में।
लेकिन 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब क्या आंकड़ा था अवध का, वो आंकड़ा आप देख सकते हैं कि 2017 में बीजेपी ने यहाँ पर 67 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीएसपी ने 6 सीटें और समाजवादी पार्टी ने केवल 6 और कांग्रेस को 2 सीटों पर ही जीत मिली। यानी सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बीजेपी बनी, उसके पीछे का बड़ा कारण था कि अवध के लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। यानी कहा जाए 2007 में, 2012 और 2017 में लगातार परिवर्तन देखने को मिला है। अवध के क्षेत्र हर 5 साल में सरकार बदलते रहे। इसके लिए देखिए 118 विधानसभा सीट पर जो फाइनल ओपिनियन पोल है उसके आंकड़े देख सकते हैं आपकी। भाजपा को यहाँ पर 68 से 72 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर अवध पर लगा जा रहा जो ओपिनियन पोल है। समाजवादी पार्टी को 40 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा को यहाँ पर 3 से 7, कांग्रेस को 0 से 3 सीटें, अनेक खाते में 0 से 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। सरकार से यहाँ पर बात करें तो पूर्वांचल में हलचल तेज हो चुकी है और हर एक राजनेता जो है अपनी अपनी जमीन तलाशने के लिए, अपने अपने वोटर को पाने के लिए अब पूरी ताकत यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से ये महत्वपूर्ण सर्वे के आंकड़े आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है, क्योंकि पूर्वांचल में जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी कुछ बड़ा करने वाले है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का यहाँ पर उद्घाटन किया है। तो पूर्वांचल का क्या है यहाँ पर चुनावी आंकड़ा और चुनावी गणित यहाँ पर क्या कहता है, देखिए आपको बता दें कि पूर्वांचल का जातीय आंकड़ा कहता है, क्योंकि जातीय आंकड़ा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह से माहौल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बात कर लेते हैं मुसलमानों के लिए तो 15 से 16% पूर्वांचल में मुस्लिम वोट आते हैं और इस बार मुस्लिम वोट में यहाँ पर हलचल तेज है। आखिर मुस्लिम वोट किस तरफ जाने वाला है, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ ही वो जाएंगे, क्योंकि 2017 में समाजवादी पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन हुआ था लेकिन फायदा ज्यादा नहीं हुआ, तो इस बार किसके साथ जाएंगे, क्या आजुद्दीन ओवैसी के साथ जाने वाले हैं, इसको लेकर भी आपको आंकड़े देंगे। राजपूत की बात की तो 6 से 7% है। ब्राह्मण वोट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जिस कार का माहौल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। ब्राह्मण वोट इस बार किसकी तरफ जाने वाला है, क्योंकि 2019 और 2017 चुनाव में तो ब्राह्मण वोट सीधे तौर पर बीजेपी को समर्थन रहा है, लेकिन इस बार जिस कार का माहौल है उसके बाद ब्राह्मण वोट का क्या हो सकता है गणित, इसके आंकड़े आपको देंगे। यादव वोट 13 से 14% सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का समर्थन इनको मिल सकता है। निषाद पार्टी की बात करें तो 3 से 4% है और ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का यहाँ पर सहयोगी दल है, जबकि राजभर से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। ऐसे में राजभर का भी यहाँ पर आंकड़ा है वो भी आपको देने वाले हैं, 3 से 4% है। कुर्मी वोट की बात करें तो 4 से 5% है। मौर्य की बात करें तो करीब 4% और दलित वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, 20 से 21%। जी दोस्तों, दलित वोट बैंक का सीधे तौर पर समर्थन यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर मायावती जी को मिलता रहा है, तो क्या इस बार भी मिलेगा या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ ये वोट बैंक जाने वाला है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। या दोस्तों पूर्वांचल में अगर बात करें तो 16 से 17% जो मुस्लिम वोट बैंक है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या वो अजहरुद्दीन ओवैसी के पास जाने वाले हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को ही समर्थन देंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पूर्वांचल के लिए। लेकिन पूर्वांचल में जिस कार से माहौल बनता जा रहा है, हर एक यहाँ पर राजनीतिक पार्टी हो या फिर कुछ बड़े दिग्गज नेता हो वो अपनी सियासी जमीन तलाशने में जरूर लग चुके हैं, क्योंकि 28 जिले की करीब 164 विधानसभा सीटें पूर्वांचल से आती हैं और काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। ऐसे में पूर्वांचल के लिए अगर बात की तो राजभर का जो असर है वो भी काफी है, क्योंकि राजभर का जो यहाँ पर गठबंधन है वो समाजवादी पार्टी से हुआ है। ऐसे में अगर बात करें तो करीब यहाँ पर 6 से 7 ऐसे जिले हैं जहाँ पर राजभर का अच्छा एक वोट बैंक है, और ऐसे में अगर बात की तो अम्बेडकर नगर है, मऊ है, बलिया है, गाजीपुर, आजमगढ़ और वाराणसी, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर राजभर वोट बैंक का अच्छा खासा असर है जिस कारण से यहाँ पर गठबंधन हुए हैं। यानी समाजवादी पार्टी छोटे छोटे यहाँ पर राजनीतिक दल है उनके साथ गठबंधन कर रही है और एक संकेत देने के 2022 में कुछ सीक्रेट वो करने वाले हैं। तो 2007 में जब मायावती जी ने अपनी सरकार बनाई थी वहां पर भी पूर्वांचल काफी महत्वपूर्ण हो गया था और पूर्वांचल के लोगों ने सीधे तौर पर बीएसपी का समर्थन किया था। जब 2012 में समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी तब भी आप देखें तो यहां पर पूर्वांचल की 164 में से 102 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी, यानी पूर्वांचल के लोग कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन लाते रहे, तो क्या 2022 में भी कुछ बड़ा होगा, यानी पूर्वांचल के लोग हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन लाते रहे। 2017 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तब बीजेपी को 115 विधानसभा सीटों पर यहां से जीत मिली थी। यानी कहा जाए तो पूर्वांचल के लोग काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, और उत्तर प्रदेश के लिए आपको सभी यहां पर 266 सीटों के आंकड़े देते हैं। अब बात कर लेते हैं आखिर यूपी के लिए पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित क्या कहता है। पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा इस वक्त शोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हलचल तेज है और हर वक्त जो है राजनीतिक दल कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में यहाँ पर जो है अपना दम दिखा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी यूपी किसान आंदोलन के बाद काफी हलचल है और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा है।
2017 में तो बीजेपी ने यहाँ पर अच्छा वोट बैंक प्राप्त किया था, लेकिन जिस कार से यहाँ पर प्रश्न यूपी में बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है शिलान्यास किया है, एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है, इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो पूर्वांचल में भी शिलान्यास, इसके बाद पश्चिमी यूपी के लिए जेबर एयरपोर्ट का भी यहाँ पर शिलान्यास हो चुका है। ऐसे में अब यहाँ का आंकड़ा क्या बनता है, क्योंकि तीनों कृषि कानून वापस हो चुके हैं और ऐसे में तीनों कृषि कानून के बाद क्या किसान का मन बीजेपी की तरफ रहेगा या फिर कुछ नया होगा? क्या यहाँ पर किसान नेता ही कुछ यहाँ से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो क्या उनको समर्थन रहेगा, क्योंकि किसान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं पश्चिमी यूपी के लिए। करीब 136 विधानसभा सीटें यहाँ से आती हैं, जिसमें अगर बात की तो 120 विधानसभा सीटों पर किसानों का सीधे तौर पर प्रभाव है और बीजेपी को जीत का मंत्र यहीं से मिला था और बीजेपी ने 136 में से 109 विधानसभा सीटें जीतकर 2017 में अपनी जीत का परचम यहाँ से लहराया था। लेकिन इस बार कुछ हलचल हो सकती है, क्या किसानों का मन बीजेपी की तरफ होने वाला है या फिर कुछ नया होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पश्चिमी यूपी में वोटों का आंकड़ा क्या है और जिस कार से यहाँ पर दलित वोट बैंक करीब 25 फीसदी है, मुस्लिम वोट बैंक 36 फीसदी है, ब्राह्मण वोट 10 फीसदी और ओबीसी वर्ग जो है वो करीब 30 फीसदी है, ऐसे में पश्चिमी यूपी का किस पर यहाँ पर कब्जा होने वाला है? यहाँ पर बात की तो 15 जिलों की 136 विधानसभा सीटें यहाँ से आती हैं, उसमें करीब 70 फीसदी लोग किसान ही कहते हैं, जिसकी गन्ना किसान यहाँ से माने जाते हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गन्ना और जिन्ना का जिक्र हो रहा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए ये रीजन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और किसान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस रीजन के लिए, क्योंकि किसानों के दम पर ही इस रीजन पर पकड़ बनाई जा सकती है। लेकिन जाट वोट बैंक किस तरफ इस बार जा सकता है, लेकिन 2017 में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तब बीजेपी ने यहां से 103 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 27, बीएसपी ने 3, कांग्रेस को 2 और आरएनडी ने 1 ही विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। यानी जीत के पीछे का बड़ा कारण किसान वोट बैंक था, यानी किसान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस रीजन के लिए, पश्चिमी यूपी के लिए। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर 2017 में जब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तब 209 विधानसभा सीटें बीजेपी ने यहाँ से निकाली थी टोटल, जब बीजेपी को यहाँ पर बात कर लेते तो क्या कुछ आंकड़ा था। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की 266 विधानसभा सीटों के जो ओपिनियन पोल हैं, जिसमें अगर बात करें पूर्वांचल की 130 और पश्चिमी यूपी की 126 विधानसभा सीटों पर, टोटल 266 विधानसभा सीटों के अब तक जो ओपिनियन पोल जमीनी स्तर पर आंकड़े निकल कर आए हैं वो आपको आंकड़े देते हैं। देखिए बात करें 2017 में बीजेपी ने इन दोनों रीजनों में से 209 विधानसभा सीटें निकाल ली, यानी दोनों ही रीजनों पर बीजेपी की सरकार बनाने के आंकड़े तक बीजेपी पहुंच गई थी। यानी जो बहुमत का आंकड़ा 202 है उसको बीजेपी ने पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में ही तय कर लिया था, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये रीजन रहा था। जबकि अब जो नंबर मिल रहे हैं बीजेपी को नवम्बर का सर्वे में, बीजेपी को 130 से 138 विधानसभा सीटें ही मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी करीब बीजेपी को 50 से 60 विधानसभा सीटों का नुकसान सर्वे में दिखाया गया है, गिरावट देखने को मिली है। लेकिन पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में क्या आने वाले वक्त में ये जो कमी देखने को मिल रही है बीजेपी इसको पूरा कर पाएगी या नहीं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा, देखिए समाजवादी पार्टी ने 35 विधानसभा सीटों पर 2017 में इन दोनों रीजन पर जीत हासिल की थी, लेकिन सर्वे अब कह रहा है कि 109 से 117 विधानसभा सीट है, यानी करीब यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 60 से 70 विधानसभा सीटों का सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। और ऐसे में अगर ये फायदा लगातार बढ़ता गया तो फिर कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में जमीनी स्तर पर अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो सर्वे में जानकारी निकली है उसमें अगर इजाफा होता है तो फिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार की आंकड़े तक पहुंच सकती है, क्योंकि जिस कार का जन सैलाब उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए रैलियों में समाजवादी पार्टी के नेताओं के तौर पर देखने को मिला है उसके बाद हलचल तेज हो चुकी है। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं बीएसपी को 13 विधानसभा सीटें 2017 में, लेकिन सर्वे कह रहा है कि 12 से 16 ही सीटों पर बसपा यहाँ पर आ सकती है, जबकि कांग्रेस को 4 विधानसभा सीटें मिली थी इन दोनों रीजनों के लिए, जबकि यहाँ पर सर्वे 3 से 7 विधानसभा सीटों पर दिखा रहा है, जबकि अन्य खाते हैं पास, जबकि इस बार 2 से 6 विधानसभा सीटें पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी की 266 सीटों में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों सारे आंकड़ों के बाद आखिर 384 सीटों पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, 2022 में किसकी बनने वाली सरकार, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है पूर्वांचल पश्चिमी यूपी और अवध को लेकर जिस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये तो चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्या तीनों ही रीजन पर यहाँ पर किसे यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा मिलने वाला है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ मिलते हैं। तब तक की जय हिंद जय भारत।